आज की कहानी आपको बहुत कुछ सिखा देगी। एक दिन हवा को यह घमंड हो गया कि वो सूरज की शक्ति से ज्यादा ताकतवर है और उसे सूरज से कहा कि तुम्हारे अंदर कोई ताकत नहीं है, तुम सिर्फ उजाला कर सकते हो, लेकिन मैं इतनी तेज बहती हूं कि बड़े से बड़े मकान को उड़ा के ले जाती हूं। सूरज आसानी से सुनकर शांत रहा, लेकिन उसने कहा कि चलो एक काम करते हैं, हम दोनों अपनी अपनी ताकत को पहचान लेते हैं। एक राहगीर जा रहा था और उसके हाथ में एक शॉल थी, वो उसे ओढ़ रखी थी। तो सूरज ने कहा कि चलो देखते हैं वो जो राहगीर जा रहा है उसकी शॉल कौन उतरवाता है। तो हवा ने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है। हवा बहुत तेज बहने लगी तो उस राहगीर ने क्या किया, उसको और गांठ लगा के अपने शरीर पर बांध दिया ताकि तेज हवा से वह शॉल कहीं उड़ ना जाए। बहुत तेज प्रयास किया हवा ने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर सूरज ने कहा कि अब मेरी बारी है। सूरज ने अपनी तपिश बढ़ा दी, तपते सूरज की वजह से उसने अपनी शॉल उतारी और उतारकर साइड में रखी और पास में बहते जल में उसने छींटे मारकर नहाने की कोशिश की। तब सूरज ने कहा कि देखा मेरा कमाल, पर मैं कभी भी बेवजह ऐसे काम नहीं करता हूं, लेकिन तुम्हारा अहंकार तोड़ना जरूर था। इसलिए प्रिय साथियों, 5 अंगुलियां हैं, सबके अपने अपने काम हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि हैं, उनके अपने अपने काम हैं। हवा का अपना काम है, सूरज का अपना काम है, आपका अपना काम है, आपकी माताजी, पिताजी, भाई बहन का अपना काम है। किसी को भी नीचा दिखाने की जिंदगी में कभी कोशिश नहीं करें, क्योंकि वक्त कब बदल जाए पता नहीं चलता। इसलिए कहते हैं कि वक्त दिखता नहीं है पर बहुत कुछ दिखा जरूर देता है। उम्मीद है कि कहानी आपको समझ में आई होगी और आगे आप ऐसे कोई काम नहीं करेंगे। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश त्रिपाली और आप देख रहे हैं 26 नवंबर शुक्रवार आज का राशिफल। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। मैं 9 दिसंबर को मुंबई में, 10 दिसंबर दिल्ली में, 11 दिसंबर चेन्नई और 12 दिसंबर को बेंगलुरु में हूं। आप वहां मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। 18 दिसंबर को पुणे में और 19 दिसंबर को कोलकाता में रहूंगा। उसके बाद 25 और 26 दिसंबर को दुबई में, 29-30 दिसंबर दुबई में वास्तु विजिट रहेगी और 28 दिसंबर को मैं अबुधाबी में रहूंगा। आप चाहें तो मुझसे वहां पर्सनली मिल सकते हैं, अदरवाइज आप मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके दीपा जी, कुलदीप जी और शिव जी को फोन करके आज ही आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। प्रिय साथियों, अगर आप लिखने और पढ़ने, स्पेशली पढ़ने के शौकीन हैं, तो हमारी एक मासिक पत्रिका है ग्रहों का खेल, उसे आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि घर बैठे वो ग्रहों का खेल मैगजीन आपको मिल जाए, बहुत कुछ सीखने का मौका उसमें मिलेगा। लकी सब्सक्राइबर का सवाल का जवाब आज हम दे रहे हैं, आप देखिए, हो सकता है आज आपके कमेंट का जवाब आ गया हो। प्रिय साथियों, अब मैं चंद सेकंड आप लोगों के लूंगा आज के कुंडली और आज के पंचांग में। आज पूरे दिन सप्तमी तिथि रहेगी और आज रात को 8:35 तक आश्लेषा नक्षत्र और बाद में मघा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी योग, आनंद आदि योग, सुनफा योग का तो साथ मिल ही रहा है, लेकिन आज नया एक ब्रह्म योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो शश योग लाभ मिलेगा और आज चंद्रमा अपनी राशि बदल देंगे। रात को 8:35 के बाद अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि में रहेंगे। आज के दिन अगर आप किसी शुभ या मांगलिक कार्यों की तलाश में, तो वो आज आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक तो सबसे पहले सुबह 10:30 से दोपहर 12 तक राहु काल है और सुबह 5:13 से लेकर आज पूरे दिन स्वर्ग लोक की बद्रा रहेगी, इसलिए बद्रा में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। आज 6 राशि के राशिफल देखने के बाद गुरु मंत्र में बात करेंगे आर्थिक संकटों से मुक्ति के लिए एक विशेष उपाय और कार्यक्रम के अंत में होगा एस्ट्रो ज्ञान। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आप सोशल कुछ काम करिए, समाज परिवार में कद मान सम्मान आपका बढ़ेगा। बिजनेस में दिन आपको कई मामलों में कॉम्पिटिटर से पीछे रखने वाला है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटर के बारे में ज्यादा बात करते हैं, सोचते ज्यादा हैं। खुद की एनर्जी स्ट्रेंथ पर बात करिए, खुद के रिसर्च पर बात करिए, तब लाभ मिलेगा। वर्क प्लेस पर दूसरों को पीछे छोड़ने की कोशिश में आपके पास जो है वो भी आप खो देंगे। नौकरी में काम करने के मामले में आपको कुछ अनचाही रुकावटों का सामना आज करना पड़ेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपके अंदर ऊर्जा की कमी नहीं है, समय की कमी नहीं है, बस मौका भी मिलता है पर चौका नहीं लगा पाते हैं, इसलिए उस ऊर्जा को उचित दिशा में लगाने के लिए आपको प्लान करना चाहिए। परिवार में मेरे प्रिय साथियों, जल्दीबाजी कभी नहीं करें, परिवार में जो भी आज फैसले लें वो चिंता में डाल सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए। किसी से भी शेयर करने की जरूरत नहीं, अपनी बातें उससे शेयर करें जिससे हल निकल सकता है, तब जाकर मन हल्का होगा और चिंता चिंतन में तब्दील होगी। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर की कोई बात
या प्रोफेशनल लेवल पर किसी व्यक्ति विशेष की बात आपको आज बुरी लग सकती है, आपको आपके दिल पर ठेस पहुंचेगी, आपको अपमानित जैसे कोई फील करवा रहा है वो लगेगा। लेकिन बहुत शांत रहना चाहिए, अगले की गलती पर माफी दे देनी चाहिए, खुद की गलती पर मांग लेनी चाहिए। बच्चे और बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर तकलीफ आएगी, आज आपसे प्रोफेशनल लेवल पर कोई रूठ जाएगा, हो सकता है किसी ग्राहक से अनबन हो जाए, राह चलते किसी व्यक्ति से हो जाए, कुछ खरीद कर परिवार के लिए आज इवनिंग में लाइएगा शांत रहकर, तब जाकर आपका जीवन अच्छा हो पाएगा। वृषभ राशि, मेरे प्रिय साथियों, आज भाई और बहन के साथ बॉन्डिंग मजबूत करनी है, सुखी रहिए और एक दूसरे पर विश्वास करिए, एक दूसरे के काम आइए, देखिएगा माताजी पिताजी कितने खुश होंगे। बिजनेस में आपके सामने कम समय में ज्यादा काम करने की चुनौती रहेगी, जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आज बहुत बढ़ने वाली है। वर्क प्लेस पर दूसरों की आलोचना में समय खराब न करें, अपने काम पर ध्यान दीजिए, नए आइडियाज आपको आज जरूर मिलेंगे और क्रिएटिविटी और कहीं ना कहीं इनोवेशन आपके भीतर होगा और आप उसी से आगे बढ़ेंगे। नौकरी में आपको अपने पेंडिंग काम को नए अंदाज में पूरा करने पर फोकस करना चाहिए। परिवार में आपको नई जिम्मेदारी भी मिलेगी, कुछ ऐसे काम है जो आपको करने चाहिए, और मोटिवेशन दीजिए अपने परिवार के लोगों को, आप इसमें बखूबी जो अपना रोल है वो निभा पाएंगे। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपका झुकाव आज अपने पढ़ाई के अलावा, अपने खेलकूद के अलावा किसी और चीज में रहेगा, जिससे परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कुछ पुरानी परिस्थितियां छूट सकती है, मन में उदासी महसूस होगी, ध्यान दीजिए। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति में थोड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं, इसलिए पैसा कितना है, पैसे से पैसा कैसे बनेगा, और साथ में कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि आप खर्चे और कर्जे को एटलीस्ट कम कर सके। बिजनेस में आपके लिए अच्छे परिणाम लाने वाले कोई और नहीं है बल्कि आपके क्रिएटिव इनोवेटिव आइडियाज हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट के चलते आज दिन को बना लीजिए जैसा बनाना चाहते हैं। वर्क प्लेस पर आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार इसी से होगा, धन लाभ के अच्छे योग बन रहे और पैसे से पैसे कमाने के भी योग बनेंगे। नौकरी पर अपनी योग्यता पर विश्वास रखना होगा, यदि किसी की बात या व्यवहार आपको बुरी लगती है तो ऐसे लोग और एनवायरमेंट से दूर रहिए और अपने आसपास एक अच्छा वातावरण बनाइए, हंसी खुशी का वातावरण बनाइए। किसी को दोष देना या खुद को दोषी समझना समझदार नहीं है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि रिलैक्स रहना चाहिए। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, व्यर्थ की चिंता, गॉसिपिंग, टाइम वेस्टिंग, ऐसे काम जो सोशल मीडिया पर आपको इन्वॉल्व रखे वो सब करके आप हाथ आए हुए अवसर को गंवाने वाले हैं। परिवार के लिए प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नया खरीदना, नया इन्वेस्टमेंट करने के मौके मिलेंगे, समय बहुत शानदार है इसलिए उस पर ध्यान जरूर दीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में रोमांच और रोमांस इसका अनुभव आपको होने वाला है। बात करते हैं कर्क राशि की, आपका स्वभाव मिलनसार हो, आप कुछ ऐसा करें जो लोगों के बीच आपकी पकड़ और आपकी समझ मजबूत करा सके। लोगों के काम आने का अगर मौका मिलता है तो जरूर काम आइए, क्योंकि लोग कहाँ हैं, आपने देखा होगा होली दिवाली कोई जमाने में आस पड़ोस के लोग भी आया करते थे, आज सिर्फ मोबाइल पर मैसेजेस आते हैं और हम भी फॉरवर्ड करते रहते हैं, वो हमें फॉरवर्ड करते हैं, इसलिए अपना बनाइए लोगों को। बिजनेस में दिन आपके लिए अतिरिक्त आय का है, वर्क प्लेस पर आपके आइडियाज और प्लान्स जल्द ही लागू हो जाएंगे, इसलिए उसे अमली जामा पहनाने के लिए और रिसर्च करिए, जिस कारण आपकी मान पद प्रतिष्ठा और जेब में पैसा बढ़ सके। नौकरी में नए सिरे से प्लानिंग करनी पड़ेगी और अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज तय करिए, आपको जिंदगी से क्या पसंद है तो उसे तय करके वैसे काम करिए। परिवार में अपनी योजनाओं को थोड़ा रोक दीजिए, उन पर पुनर्विचार करिए, आज सगाई के लिए, शादी के लिए, मकान के लिए, घर परिवार में किसी शुभ या मांगलिक कार्यों के लिए, खर्चे के लिए कोई प्लानिंग है तो उसे रोकिए, दोबारा सोचिए फिर डिसीजन लीजिए। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपके प्रयास आज सार्थक होंगे, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में फोकस बहुत अच्छा रहेगा और एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा, इसके चलते पेरेंट्स और निजी जीवन की जिम्मेदारियों को अनदेखा नहीं करें। सिंह राशि, 3 दिन का काम तो कई बार आपका 13 दिन में नहीं हुआ है और बनते काम बिगड़े हैं, जब तक काम आज आपका पूरा नहीं हो जाता है तब तक आप चुप रहें, आप बोलेंगे आपको आपकी नजर लगेगी और आपका काम पूरा नहीं होगा, इसलिए आज शांत रहकर सुबह सुबह उठते ही पेपर पर लिख दीजिए आपको दिन कैसा चाहिए, वैसा ही दिन आपका बन जाएगा। बिजनेस में दिन आपके लिए कुछ नया करने का नहीं बल्कि पुरानी चीजों को नए अंदाज में पूरा करने का है, आपको अपने नजरिए में और नजर में दोनों बदलाव लाना पड़ेगा और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। नौकरी बदलने, नौकरी मिलने, नौकरी में कुछ तरक्की होने की संभावना ज्यादा है, कुछ परिस्थितियों से आप थोड़े विचलित जरूर रहेंगे लेकिन अज्ञात भय को अपने इर्द गिर्द मत आने दीजिए। वर्क प्लेस में और निजी जीवन में आगे के द्वार बंद मिलने वाले हैं, इसके आज जो दरवाजे एक बंद होता है भगवान की वजह से तो दूसरा खुलता भी है, करियर के मोर्चे पर भी लगभग यही स्थिति बन रही है।
आप उनसे निकलने के लिए प्रयास करेंगे। परिवार में अपनी जरूरतों की ओर ध्यान देना चाहिए। सेहत में सुधार मुश्किल लग रहा है। जीवन साथी भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कोई और महत्वपूर्ण है, उनकी अनदेखी ना करें। प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नया करने का, ट्रैवल करने का, बॉस के साथ किसी अच्छी वेबिनार सेमिनार, सोशल मीडिया पर कोई अच्छी किताब मिल जाना, ये सब कुछ चांसेस है जिससे आपका दिन पॉजिटिव हो सकता है। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने टीचर कोच मेंटोर से कुछ गाइडेंस लीजिए, आपकी राह आसान हो जाएगी। कन्या राशि, नई योजनाओं से लाभ मिलेगा। पुरानी योजनाओं का क्या हुआ इस पर सोचने से भी लाभ मिलेगा। बिजनेस में अपनी बातों या विचारों में अड़ियल ना हो, अपने पिता की सलाह जरूर लीजिए और उनको किसी भी कीमत पर किसी भी वजह से दुखी मत करिए। धन लाभ के आसार आज बन रहे हैं। नौकरी में आपके आइडियाज बहुत सराहनीय होंगे किंतु उन्हें थोड़ा प्रैक्टिकल बनाने की जरूरत है। वर्क प्लेस पर आपको अपने आसपास के लोगों या टीम के सदस्यों से काफी मदद मिल सकती है। रिश्तों में दूसरों का नजरिया देखने का प्रयास जरूर करें, तभी कोई मसला हल होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में प्रेम संबंध में आज मिलना जुलना, अच्छे गिफ्ट का आदान प्रदान होना, सोशल मीडिया पर हंसी मजाक करना, कुछ अच्छा सीखना, अपनी पत्नी या पति को कुछ सिखाना, प्रोफेशनल डील करना, परिवार में बड़े मुद्दों पर बहस करके उनका हल ढूंढना, ये सब कुछ आज होना तय है। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आप कई मायनों में अहंकार से चूर हैं, इससे बचिए वरना बहुत सारी चीजें आपके आसपास होंगी वो दूर चली जाएगी। आइए बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। फाइनेंशियल कंडीशन अगर ठीक नहीं है, आर्थिक संकट है, तो उसके लिए आज हनुमान जी आपको वरदान देंगे। एक ऐसे देवता है जिनकी पूजा में सावधानी बहुत जरूरी है। अगर सुबह बड़ के पेड़ के पत्ते को तोड़कर गंगा जल से धोकर हनुमान जी को अर्पित करें और ओम हम हनुमंते नमः चंदन से लिख दीजिए, धन की आवक बढ़ेगी और आर्थिक संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। बात करते हैं तुला राशि की। वर्क प्लेस पर वर्कोहोलिज्म, काम को नए अंदाज में करना, ड्रेसिंग सेंस और शानदार होने से आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। बिजनेस में आपका साहस करेज एंथुसियाज्म ऊंचा रहेगा। इसके चलते आप बिना किसी ज्यादा परेशानी के परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में ले आएंगे। वर्क प्लेस पर आपको अपने काम के प्रति अपने समर्पण और निष्ठा के लिए शाबाशी मिलने की संभावना है। साथ ही आप अपने कार्यों को समय पर निपटाने की कोशिश जरूर करेंगे। नौकरी में आपके लिए पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का दिन है। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपकी नेगेटिव परिस्थितियां जल्द ही आपके अनुकूल होने वाली है, बस आप रिलैक्स हो जाएं। परिवार के सदस्यों के साथ कुछ खरीदारी करना, ट्रैवल करना, प्रोफेशनल ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। आपकी सेहत बेटर है इसलिए आपको एक्स्ट्रा और एडवांस में काम करना चाहिए। अच्छे कर्म होंगे और परिवार से व्यर्थ की चिंताएं दूर होगी। वीकेंड को एंजॉय करने की प्लानिंग आज बन सकती है। वृश्चिक राशि, आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी दान पूजा पाठ धर्म कर्म में आपकी रुचि बनेगी। किसी के दुख को दूर करना, किसी के आंसू पहुंच लेना, ये सब कुछ आज आपसे होने वाला है। व्यापार में किसी योजना के आगे बढ़ जाने से जो कॉन्फिडेंस है वो वापस लौटेगा, दबाव कम हो जाएगा। नौकरी में आपको कई मामलों में अधिकारियों से तारीफ सुनने को मिलेगी और नए चैलेंजेस नई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, या आप खुद क्रिएट करिए, इनोवेटिव आइडियाज को अप्लाई करिए। वर्क प्लेस पर किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए दिन आज शुभ है। आपकी सलाह बहुत लोगों के काम आएगी लेकिन बिना मांगे मत दीजिएगा। अपनी बात को कहने में झिझक बिल्कुल न करें। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नई चीजें सीखना, नए लोगों से बातचीत करने का अंदाज सीखने का मौका मिलेगा। दाम्पत्य जीवन लव लाइफ रिलेशनशिप में अड़ियल स्वभाव और गुस्सा, हम ही समझदार है बाकी सब बेवकूफ है, ऐसी सोच से आपको नुकसान मिलेगा। लव पार्टनर लाइफ पार्टनर में नकारात्मक सोच और किसी तीसरे की बात, किसी और की तारीफ आपको नुकसान डाल सकती है। परिवार में सभी बातों को खुले दिल से आप स्वीकार करें और उनके साथ शेयर करें। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज का दिन आपका है, जी लो अपनी जिंदगी। धनुराशि, आवश्यक कार्यों को पहले निपटाइए वरना समस्याएं आ जाएगी। और वैसे भी अपनी जिंदगी में प्रायोरिटीज आपको पता होनी चाहिए कि आप एग्जैक्टली जिंदगी से, दुनिया से, एनवायरमेंट से चाहते क्या हैं और क्यों चाहते हैं। बिजनेस में आप स्वयं को टेंशन में गिरा पाएंगे, ये दिन कुछ उथल पुथल वाला रहने वाला है। वर्क प्लेस पर क्षमता से अधिक काम के जिम्मेदारी लेना और मुसीबत को आ बैल मुझे मार की तरह अपनाना ठीक नहीं है, इसे जितना काम कर सकते हो उतने लीजिए अपने हाथ में। नौकरी में कुछ पहले की योजनाओं और उसमें बाधा आ सकती है। शेयर मार्केट वायदा बाजार में तकलीफ आ सकती है, ध्यान रखिए। जीवन साथी के साथ, लव पार्टनर के साथ खुशनुमा पल या खुशनुमा वक्त बिताने के लिए वीकेंड आ रहा है, समय निकालिए, एक्स्ट्रा एडवांस में काम करिए, लाभ मिलेगा। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, चाहते हैं सब कुछ करना, अच्छे नंबर भी आ जाए, आने वाले टाइम में अच्छी जॉब लग जाए,
लेकिन कितना टाइम आप वेस्ट करते हैं सोचिए। परिवार में किसी भी काम को संपन्न करने के लिए बहुत मेहनती होने की आवश्यकता है, किंतु आपकी मेहनत जल्द ही सफलता लाएगी। बात करते हैं मकर राशि की। आज आपको एक प्रोफेशनल और बिजनेस पर्सन के तरीके से सोचना चाहिए, और आप वाकई में बिजनेस ही कर रहे हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ तीखी नोकझोंक होने वाली। छोटी छोटी बातों पर कई बार हम उलझन कर बैठते हैं, 100 रुपए खर्च करने में 1000 बार सोचते, 1,00,000 रुपए खर्च करने में नहीं सोचते, तो ये सब चीजें आपको नुकसान देगी, इसलिए बड़ी सोच रखिए। व्यापार में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आज अच्छा दिन है। परिवारजनों के साथ खुशियों भरे पल बिताएंगे, और आज परिवार में सुख शांति समृद्धि के लिए, बच्चों की सगाई ब्याह के लिए आप कुछ स्पेशल करने वाले हैं। आपके लिए दिन प्रोफेशनल तौर पर काफी अच्छा साबित होगा। इमोशंस को घर और ऑफिस के बाहर रखिए। वर्क प्लेस पर आपके सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण आप हर परिस्थिति को अनुकूल करने में सफल होंगे। इस काल में दैनिक कार्यों यानी रूटीन को थोड़ा बदलना होगा और सोच बदलनी पड़ेगी, तब जाकर आपको लाभ मिलेगा। आपके और आपके करीबी लोगों के अलावा सामाजिक रूप से कई और लोग हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। कई बार हम कुछ लोगों में ही उलझे रह जाते हैं और अपनी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें भूल जाते हैं, तो उसे पहचानिए। संतान की ओर से आपको सुखद समाचार मिलेंगे। लव पार्टनर लाइफ पार्टनर से भरपूर प्यार मिलेगा, और प्रोफेशनल भी आप एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन, सर्दी को ध्यान में रखते हुए काम करिए, डाइट अच्छी लीजिए, और चोट दुर्घटना हो सकती है, ध्यान रखिए। बात करते हैं कुंभ राशि की। थोड़ा खर्चा और कर्जा आपको परेशान कर सकता है, इसलिए उसे तो कम करना ही करना है। इनकम कैसे बढ़े इस पर विचार करिए। बिजनेस में दिन आपके लिए अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रयास शुरू करने का है। भविष्य को देखते हुए आप सतर्क रहें और आगे बढ़ें। नौकरी में काम की डेडलाइन पूरी करने में परेशानी थोड़ी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में अपने साथियों से पूरा सहयोग आपको कुछ आर्थिक लाभ दिलवाएगा। परिवार में दुविधाओं में निर्णय न लें, परिस्थिति के अनुकूल होने का इंतजार करें। स्पोर्ट्स पर्सन, अपनी ऊर्जा व्यर्थ की चिंताओं में लगाने के बजाय अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के लिए यदि मन में कुछ भावनाएं हैं तो उन्हें व्यक्त अवश्य करें। मीन राशि, आज आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, कुछ न कुछ सीखना है, और सीखी हुई या मेहनत की हुई कभी भी विफल नहीं जाती है। पढ़ाई में रुकावट वरना आ जाएगी, और आप पढ़ाई नहीं भी करते किसी भी उम्र के हैं फिर भी अपने फील्ड की चीजों को सीखना चाहिए। बिजनेस से जो भी आप पाना चाहते हैं वह अवश्य मिलेगा। आप योग्यता की कोई कमी नहीं है, केवल प्रयास सही ढंग से नहीं करते हैं और मौका देखते चौका नहीं लगाते हैं। आर्थिक लाभ की स्थितियां बनाने वाला दिन है। 3 बार पैसे से पैसे कमाने के मौके मिलेंगे। नौकरी में नए अवसर मिलेंगे। नई जगह अप्लाई करना चाहिए, पुराने बॉस से वापस बात करना चाहिए। यह दिन इसी वजह से लाभदायक रहेगा। सबॉर्डिनेट बॉस के सामने अपने अच्छे विचार प्रकट करने से ना उन्हें रोकिए ना खुद को रोकिए। आपको साझेदारी में कुछ नए प्रस्ताव मिलने वाले हैं। आपको अपने काम और रिश्तों के प्रति समर्पण दिखाना होगा। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपनी मन की आवाज अवश्य सुने। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में प्यार की कमी न होने दें। परिवार में कोई बड़ों की सलाह दे रहे हैं, बड़े कोई सलाह दे रहे हैं तो निर्णय लेने से पहले उनका आशीर्वाद और सलाह जरूर मानिए। अब बात करते हैं आज के एस्ट्रो ज्ञान की। वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन शुभ है। तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन राशि वाले लोगों के लिए सामान्य है, लेकिन मेष, सिंह, धनु राशि वाले लोगों के लिए संभल के रहने के दिन है। परंतु फिर भी आज आप सफेद रुमाल में 125 ग्राम मिश्री बांधकर लक्ष्मी नारायण मंदिर में अर्पित करते हैं और साष्टांग दंडवत प्रणाम करिए, आपके ग्रहों का खेल सुधर जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप इसी वीकेंड में मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।